नमस्ते। चैप्टर 31 बिग बैंग। वर्ड जनरली अपने कम्युनिकेशन में सुना ही होगा, जनरल में बिग बैंग या बिग बैंग नेता ऐसा कुछ सुना होगा ना, मतलब उस दिशा से आने वाले बलि नेता, उसको बिग बैंग नेता बोलते हैं। जस्ट बताने के बाद बिग बैंग यानी दिशा बल, सिंपल बात। तो जो प्लैनेट्स होते हैं, जनरल में हमें तो मालूम है चार डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हर प्लैनेट की या ग्रह की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है जिसमें वो बलि होता है। बलि मतलब पावरफुल, मतलब अगर वो उस डायरेक्शन में है तो वो उसकी हाईएस्ट पावर में है। केंद्र स्थान में है तो केंद्र स्थानों की बात से ही बल पता चलता है। जैसे साइड में जाते हैं वैसे उनका बल क्षीण होता जाता है। हमको इस फेज में विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर 31 कौन से ग्रह कहाँ पे दिशा बली है इतना ही समझना है, और उसका क्या इफेक्ट है वो भी थोड़ा सा समझना है। तो सीधा चलते हैं। सिंपली ये जो स्क्रीन दिख रही है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए आपके किस पेपर में, और आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे बताने की बात ऐसी है कि ये ईस्ट है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो टॉप जो ऐसे है अपना मैप, जो ऊपर का पोर्शन है जम्मू कश्मीर वाला वो नॉर्थ है। सो इन आवर केस ऑफ एस्ट्रोलॉजी लग्न, लग्न का फर्स्ट हाउस इज ईस्ट। मेक इट क्लियर। अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे ईस्ट बोला तो वैसे ये डायरेक्ट कैलकाटा समझ लेते हैं, वेस्ट बोला तो बॉम्बे समझ लेते हैं, चेन्नई बोला तो साउथ समझ लेते हैं, और दिल्ली बोला तो नॉर्थ समझ लेते हैं। यही अपने साइड में होता है, अपना माइंड सेट है करके बता। बट इन आवर एस्ट्रोलॉजी टर्म्स इज वेरी क्लियर, ये ईस्ट है। तो इसका मतलब भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वेस्ट है। इसका मतलब भी ये है, इस वन इज साउथ, और इसका मतलब भी ये नॉर्थ। वेरी क्लियर। सो जस्ट चेक करना है तो मैं आपको बताने का बता देता हूं। इस साइड में बुध और मून, मर्क्यूरी एंड जुपिटर, ये बिग बली होते हैं ईस्ट में। आपके साउथ में सन एंड मार्स बिग बली होते हैं। वेस्ट में सैटर्न बिग बली होते हैं। नॉर्थ में वीनस एंड मून बिग बली होते हैं। क्लियर है? एक बार देख लीजिए मैं आपको, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पे कलकत्ता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, और वहां पे चेन्नई हो गया। क्लियर? ओके। अब इसका क्या मतलब है? अगर किसी की कुंडली में सैटर्न यहाँ पे तो ये ज्यादा पावरफुल, अगर किसी की कुंडली में सैटर्न यहाँ पे तो वो इस सैटर्न से कम पावरफुल, या फिर इधर है या इधर है तो कम पावरफुल है, या इसके नीचे है तो और कम पावरफुल है। जनरली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका बिग बली जो पावर होती है एकदम कम हो जाती है, निगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल सन यहां पे बैठ गए या मार्स यहां पे बैठ गए, उनकी पावर एकदम कम हो जाएगी, उसमें बिग बल नहीं रहेगा। I think matter is clear with respect to this. अब कुछ और चीजें बताता हूं। बिग बली होने के बावजूद भी कौन से ग्रह कौन से वक्त पे स्ट्रांग होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। दिस इज जस्ट बेसिक थियरी। नाइट में मून मार्स एंड सैटर्न, ये तीन लोग स्ट्रांग होते हैं नाइट में। डे टाइम में
जुपिटर सन एंड वीनस ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और मर्क्यूरी हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, डे रहे या नाइट रहे, मर्क्यूरी तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, बेसिकली वो सन के बहुत नजदीक है तो इसके हिसाब से उसको शायद दिया होगा ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज सन के नजदीक ही है तो हमेशा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास हमेशा दिन रहता हो, दैट इज दैट मे बी द केस। जब भी उत्तरायण या दक्षिणायण ये दो चीजें आपको मालूम है, ये छह छह महीने का एक आयन छह महीने का पीरियड होता है, शायद अगर आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, जैसे अपना कैलेंडर होता है ना उसमें जनवरी से दिसंबर तक महीने होते हैं, वैसे अपने हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं चैत्र से फाल्गुन तक, अपने कैलेंडर के हिसाब से 6 ऋतु होती है, 12 महीने 6 ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु होती है, और अपना जो बताने का था, हाँ, जब भी दक्षिणायन चलता है 6 महीने का, उसमें नेचुरल मेलेफिक जो है, या उसके आप कुंभ ग्रह कह लीजिए, पाप ग्रह कह लीजिए, ये सन मार्स राहु केतु है, ये पावरफुल होते हैं। जब उत्तरायण चलता है तब आपके नेचुरल बेनिफिक जुपिटर एंड वीनस पावरफुल होते हैं, लेकिन क्लियर। अगर मर्क्यूरी की बात करें इन दो कंडीशंस के लिए, अगर मान के चलिए जुपिटर के साथ बैठा हुआ है या फिर वीनस के साथ बैठा हुआ है तो वो उस टाइम पे पावरफुल करेगा नेचुरल बिहेवियर के टाइम पे। एक और चीज उसी में, नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट्स कृष्ण पक्ष में पावरफुल हो जाते हैं, इवन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी वहां पे पावरफुल हो जाता है, वो भी मैलिफिक है। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट शुक्ल पक्ष जो होता है 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है उसमें पावरफुल होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दैट इज वैक्सिंग मून इज आल्सो नेचुरल बेनिफिक उसमें कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा नहीं, तो मून हमेशा कंसीडर हो जाएगा इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, एकदम क्लियर है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक इसी में, हर प्लैनेट की जब आपकी महादशा चलेगी तो उस प्लैनेट के डायरेक्शन में आपको ज्यादा फायदा होगा, जैसे कि सभी प्लैनेट की अपनी अपनी डायरेक्शन है, वहां पे वो ज्यादा मतलब वो उनकी डायरेक्शन है, वहां पे अगर आप जाए फॉर एग्जांपल अगर मेरी गुरु की दशा चल रही है और गुरु मेरा बराबर लग्न साइड में बैठा हुआ है और अगर मैं उसकी दशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में काम करता हूं जिस भी मकसद के लिए, तो वहां पर मेरी उन्नति होगी, ये कहने का मतलब। अगर मान के मेरे कुंडली में सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न भी अपने साइड में बराबर है, अब सैटर्न की डायरेक्शन है वेस्ट, डब्ल्यू मैंने लिख के रखा है वेस्ट, तो मेरा वेस्टर्न साइड में मैं काम करूंगा जो मुझे चाहिए जिसके लिए चल रहा है वर्कआउट, वो सब वहां पे सक्सेस मिलेगा, इस तरह का एक जनरल आइडिया है। उसी हिसाब से जुपिटर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सन की ईस्ट डायरेक्शन है, सैटर्न की वेस्ट, वीनस की साउथ ईस्ट, मून की नॉर्थ वेस्ट, मार्स की साउथ, मर्क्यूरी की नॉर्थ डायरेक्शन है, राहु की साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो इस तरह से दिया गया है। अगर मान के चलिए दशा अंतर दशा में मेरा प्लैनेट मेरे परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है और मैं उसकी डायरेक्शन में आके काम करता हूं तो मुझे अड़चने आएगी, एट द सेम टाइम मेरा लॉस भी होगा, ऐसा अपना एस्ट्रोलॉजी कहता है। और ये जनरल लोगों के एक्सपीरियंस से जो हमने पता किया वो सही भी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जब डीटेल कुंडलियां चेक कराते हैं
तो उनमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं ना कि हमको इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपांड करना है, एक्सपांशन जो स्कीम लाता है, तो उनका जो ओनर होता है वो अपने कुंडली के हिसाब से ये भी चेक करता है, या फिर जिसके मतलब जो भी उसके उस प्रोजेक्ट के लिए नंबर वन पर्सन होगा उसके कुंडली के हिसाब से वो दे चेक इट आउट कि यहाँ पे वर्कआउट होगा या नहीं होगा। जो बड़ा स्टेक होल्डर था उसकी कुंडली के हिसाब से चेक करते कि ये डायरेक्शन सही है या नहीं है। इस डायरेक्शन में तीन ऑप्शन है तो ये ऑप्शन चूज करते हैं जहाँ पे कुंडली मैच करता है। दिस इज द केस विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कुंडली ऑल्सो। सो दैट इज फॉर द डे। जय हिंद, जय भारत।